कैसे हैं आप सब? आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रोई। रीज़न बता रही हूँ क्योंकि मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रही हूँ मेकअप से रिलेटेड, लेकिन आप सब हैं कि उसको देखना ही नहीं, उसको प्यार ही नहीं देना। फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ? तो कृपया करके ऐसा मतलब ना करें, आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा तो देख लिया करिए। यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर लगाया है, अगर देखिए मैं तो ऐसे ही तैयार हो जाती, मुझे वीडियो शूट करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी वीडियो से आप सबको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो क्यों ना मैं शेयर कर दूँ। क्यों, आप लोग देखिए, आप लोग के बहुत सारे पैसे बचेंगे अगर इस कैसे आप मेकअप करेंगे। तो मैंने भी सेल्फी सीखा है, लेकिन देखिए मैं कभी पार्लर नहीं गई हूँ, एक भी मेरी वीडियो नहीं है कि मैं पार्लर में जाके तैयार हुई हूँ। मैं हमेशा हर एक ओकेजन पे मैं खुद ही से बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियोस आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने दो मतलब एक फाउंडेशन और एक स्ट्रोक क्रीम दोनों को मिक्स किया और अच्छे तरीके से टैप टैप करके मैंने अप्लाई किया। ये मेरे स्किन से एक दो सेड ना बहुत ये लाइट हो चुका था, लेकिन जब मैंने ब्लेंड किया तो ये ब्लेंड हो गया और समझ में आया नहीं, और इसने कवरेज भी जो है वो फुल कवरेज दे दिया। इसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं टैप टैप करके इसको अच्छे तरीके से पूरे अपने स्किन पे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि फाउंडेशन और मेरा फेस दोनों बहुत अलग ना दिखे, और अच्छे तरीके से मैं अप्लाई करूँगी इसी तरीके से। अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियोस कम से कम लेके आ सकूँ। अगर कोई मेकअप है जो आप सीखना चाहती हैं, मतलब कुछ भी है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके, जब तक नहीं बताएंगी मुझे नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक बार आप कमेंट करके बता दिया करिए। इसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पाउडर, जो कि वाइट टोन पाउडर है, उसको लेके मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, ताकि हमारा मेकअप जो हमने क्रीम बेस जो लगाया है उसको हम सेट करेंगे, ताकि वो निकले ना। और फिर यहाँ पे देखिए मैं आइकाई कर रही थी, कुछ बातें कर रही थी जो कि रम्या के पापा से, और बार बार मुझे ना कुछ उठ के जाना पड़ रहा था। कभी मैं चाय ले बनाने चली गई थी, तो कभी मैं कुछ लेने जा रही थी, तो बार बार मुझे इस मेकअप में बहुत ज़्यादा उठना पड़ा। हालांकि ये मैंने गणेश चतुर्थी के व्रत के लिए ये वाला मेकअप लुक किया हुआ है, तो वो ब्लॉग जो है गांव की शांति वाले चैनल पे आएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। अब बारी आती है आई मेकअप की, तो मैंने लिया है बिल्कुल अपने साड़ी से मिलता हुआ मैचिंग कलर, और इसको हम अच्छे तरीके से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। ये फिंगर से ब्लेंड नहीं हो पाया, तो फिर मैंने ब्रश की हेल्प से जो है वो पूरा आई मेकअप कम्प्लीट किया। बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाई थी, क्योंकि रात का समय था और मैं निर्जला व्रत थी, तो मेरा दिमाग जैसे एक होता है ना कि काम ही नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट फिर भी मैंने ये वीडियो शूट किया। मुझे लगा कि नहीं, चलो मेरी वीडियो से अगर हेल्प मिलेगी तो चलो मैं वीडियो शूट करके अपलोड करूँगी। उसके बाद मैंने इसी पैलेट से वाइट कलर का सिमर जो ग्लिटर आता है ना, ग्लिटर आई शैडो लिया, और इस ग्लिटर को अपने आईज के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि साड़ी में भी आप लोग देखिए वाइट कलर है, वाइट ये साड़ी बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। अर्बन परिधान पेज है, वहाँ से आई है। अभी मैंने इसका कोलैबोरेशन आई थिंक अपलोड भी नहीं किया है, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे ही ये वीडियो लेके आ गई हूँ। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को जो है वो अच्छे तरीके से फील करूँगी। मैंने लिया है यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर, मैं ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी आईब्रो के लिए, क्योंकि वो एकदम नेचुरल नहीं लगता है, क्योंकि मेरी आईब्रो जो है बहुत बहुत ज़्यादा थिन आईब्रो है, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना मैं कर रही हूँ, तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, मेरी आँखें, मेरा आईब्रो, सब कुछ। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई करूँगी, जो कि अगेन NY का लाइनर है, जो कि मैं बहुत सारे क्या हर एक वीडियो में NY के ही लाइनर यूज़ करती हूँ। तो चलिए पहले हम लाइनर लगा लेते हैं।
बाद मैंने सिस ब्यूटी के पैलेट से लिया है ब्लश, और ब्लश बहुत इजीली बहुत अच्छे से लग गया। और अब बारी आती है हाइलाइटर अप्लाई करने की, तो सिस ब्यूटी के ही पैलेट से, वहाँ पे ये 3-in-1 पैलेट है जहाँ पे कॉन्टोर, हाइलाइटर एंड ब्लश तीनों आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लश जो है वो अप्लाई कर लिया हुआ है, और मेरे को ब्रश से समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने फिंगर से थोड़ी सी लगा लिया, क्योंकि एक तो ये रात का मेकअप है, नाइट मेकअप है, और थोड़ा सा इसका कोलेब्रेशन भी मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है, और अब बारी आती है यहाँ पे लिपस्टिक लगाने की। तो मैंने रेड लिपस्टिक ही लगाई, मैंने ये जो लॉरियल की लिपस्टिक ली और मैंने उसको अप्लाई किया। मैंने पहले सोचा था मैं पिंक लगाऊंगी, लेकिन दो वीडियो में ना मैं लगातार डार्क पिंक ऐसे लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी, तो मैं सोचा चलो आज मैं रेड लगाती हूँ। और सबसे ना लास्ट में देखिएगा मैंने कुछ ऐसा लगाया जिससे ये पूरा का पूरा जो लुक है ना वो बहुत खिल के आ रहा था। मैंने जो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ना मेरी लिपस्टिक ना फैल गई, मतलब उसको ठीक करने के चक्कर में वो फैलती गई। तो फिर मैंने यहाँ पे लिया कंसीलर और मैंने अच्छे तरीके से फिर से वहाँ पे अप्लाई कर दिया, जिससे कि वो लिपस्टिक लगी नहीं कि फैली हुई है। और अब बारी आती है यहाँ पे बिंदी अप्लाई करने की। तो मैंने यहाँ पे जो बिंदी लगाया ना वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी, क्योंकि जो मैं नहीं लगाती हूँ वो मैंने लगाया। और मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी बेटी से पूछूंगी, आप सब बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि इस लुक पे ये पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इयररिंग पहने, नेकलेस पहना, ज्वेलरी पहनने के बाद मैंने बैंगल्स डाले, और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।